former Vice President of India, Dr. Mohammed Hamid Ansari Sahab, का एक ईमेल आया जिसमें एक लेटर है और उस लेटर में क्लियरली उन्होंने इस बात को कहा है कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन ने उनको लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया था और लेक्चर के लिए इनवाइट किया था तो वो पब्लिकली एक सबको नोन था, वो एक पब्लिक डोमेन में था और उस प्रोग्राम से पहले 11:30 पर जिस तरह से कुछ राइट विंग के गूंस ने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पर हमला करने की कोशिश की और उसके बाद यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी स्टाफ ने उनको पकड़ कर पुलिस के हवाले किया, पुलिस ने उनको छोड़ दिया। दोबारा से 2:30 के आसपास, 2:30 बजे के आसपास जो पुलिस के जो लोग हैं वो उन गुंडों को स्कॉर्ट करके लाते हैं, लगभग 30-40 गुंडे होते हैं जो राइट विंग के गुंडे होते हैं और उस तरह से वो आते हैं यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस पे, वो आते हैं अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, उनके हाथ में लीगल वेपन्स होते हैं और उससे ठीक 100 मीटर की दूरी पर गेस्ट हाउस नंबर 3 में हामिद अंसारी साहब मौजूद होते हैं, उनके साथ हम लोग होते हैं और उसी दौरान ये वाकया होता है। हामिद अंसारी साहब इस बात को क्लियर किया उस लेटर में कि ये एक सिक्योरिटी लैकुना है, एक सिक्योरिटी ब्रीच है चूँकि वो एक जेड प्रोटेक्टी है, उनका प्रोटोकॉल 15 दिन पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास आ चुका था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास आ चुका था, तो आखिर ये सिक्योरिटी लैकुना, सिक्योरिटी ब्रीच क्यों हुआ और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। और जिस तरह से उन्होंने लेटर में मेंशन किया है कि जिस तरह से जिस प्रिसाइज टाइमिंग के अंदर ये सारे इवेंट्स हुए हैं, कहीं ना कहीं जो है उनको टारगेट करने की कोशिश की गई है और साथ ही साथ उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट यूनियन को और तमाम एलुमनाई जिन लोगों ने अलग अलग जगह से, अलग अलग कंट्रीज से सपोर्ट किया और तमाम यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए बधाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि आपने एक कमेंडेबल जॉब किया है, साथ ही साथ उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है कि कैंपस के एकेडमिक्स किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हम उनकी बात को बिल्कुल सर आंखों पर रखते हैं क्योंकि वो एक अलीग हैं और हम एकेडमिक एनवायरनमेंट किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहते हैं और डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। एग्जाम्स यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं, हमारा एजुटेशन भी चल रहा है। अब मैं सवाल करना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस के उन लोगों से जिन लोगों ने उन गुंडों को स्कॉट किया और आज हामिद अंसारी साहब कर्नाटका चुनाव के बाद जब ये बात सामने रख रहे हैं तो आखिर इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उन्होंने शायद कर्नाटका चुनाव हो जाने का वेट किया और जानबूझ के आज उन्होंने इस लेटर को दिया, वो पहले भी दे सकते थे, वो नहीं चाहते थे किसी भी तरह का कोई भी जो है इस तरह इसमें कुछ भी पॉलिटिक्स हो या किसी भी तरह से पोलराइज करने की कोशिश हो, इसीलिए आज उन्होंने शाम के 5 बजे हमें जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा आप में अपना मेल चेक कीजिए और आपको मैंने मेल किया है एक लेटर और वो आपके लिए लेटर है, आप उसको मेल चेक कीजिए, उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। तो एक सिक्योरिटी लैकुना है, जेड प्रोटेक्टिंग है, जानबूझ कर इन सारे इवेंट्स को किया गया, ये पहली बार नहीं हुआ है। जामिया में 2010 में उनका प्रोग्राम था, वहाँ भी आरएसएस के कुछ गुंडों ने उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, बाद में इंटेलिजेंस और आईबी के लोगों ने इसको कंफर्म भी किया, वो रिपोर्ट्स भी हैं। तो जानबूझ के इस तरह से दलित माइनॉरिटीज़ SC ST OBCs को जो टारगेट किया जा रहा है ये बहुत गलत है और इस देश में इसको अब रोकना होगा और इस वक्त ये ज़रूरत है कि हम तमाम यूथ, तमाम स्टूडेंट्स और तमाम इंडियंस एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और जो भी इस तरह की सिक्योरिटी लैकुना एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जो इंसान, जो व्यक्ति रह चुका है उसके साथ होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। हमारा भी मूवमेंट यही चल रहा है पिछले 10 दिन से और अब मैं जिला प्रशासन से और उत्तर प्रदेश की सरकार से सवाल करता हूँ कि आप उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे और कब तक उन लोगों को बचाएंगे, चूँकि एक नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, आप इस पर एक्शन लीजिए और इस पर हम सवाल करते हैं।